जयपुर के सांगानेर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना में कायाकल्प होना था। रेलवे ने दावा किया था कि जल्द ही करोड़ों रुपए खर्च कर सांगानेर रेलवे स्टेशन को तमाम सुविधाओं वाले स्टेशन में बदल दिया जाएगा, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। सांगानेर रेलवे स्टेशन घनी आबादी के बीच स्थित है। शहरी इलाके में शामिल होने के बावजूद रेलवे ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि यहाँ कुछ एक ट्रेनों का ही ठहराव हो पा रहा है। साथ ही यात्री सुविधाएं भी बहुत कम मिल पा रही हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा जैसे ही सांगानेर विधानसभा से निर्वाचित हुए और सूबे की सीएम बने तो सांगानेर रेलवे स्टेशन के दिन बदल गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांगानेर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करते हुए करोड़ों की लागत से स्टेशन का कायाकल्प करने के निर्देश दिए। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी रेलवे की ओर से स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर कुछ काम नहीं हो पाया, जबकि योजना के तहत सांगानेर स्टेशन का 35 करोड़ की लागत से कायाकल्प होगा। इसमें नया भवन, पार्किंग एरिया, वेटिंग एरिया, नया टिकट घर, रिजर्वेशन काउंटर बनेंगे, साथ ही लिफ्ट, एस्केलेटर समेत कई सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी। वहीं स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। सांगानेर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेवलप किया जाना है। दावा ये किया गया है कि इस योजना के तहत जब यहाँ पे विकास कार्य होंगे तो इसका स्वरूप बदला सा नजर आएगा। एयरपोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन के ऊपर नजर आएंगी। बात की जाए तो यह रेलवे स्टेशन का जो पुराना भवन है, यहाँ पर नया भवन बनाया जाएगा, वेटिंग एरिया भी बनाया जाएगा, पार्किंग एरिया भी डेवलप किया जाएगा, एस्केलेटर भी यहाँ पर लगाया जाएगा और साथ के साथ लिफ्ट भी लगाई जाएगी और मुख्य द्वार भी बनाया जाएगा। तमाम सुख सुविधाएँ यहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर रहेंगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो जा सके। साथ ही कई ट्रेनों का ठहराव भी यहाँ पर होगा जो लंबी दूरी की होंगी। ऐसे के अंदर इन सब बातों को लेकर दावे रेलवे की ओर से किए गए थे, लेकिन 5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अब तक वो दावे हकीकत में नहीं बदल पा रहे। रेलवे अधिकारियों से बात करने में ये सामने आया है कि सांगानेर रेलवे स्टेशन के ट्रैक के पास से ही बीसलपुर की पाइपलाइन निकल रही है। ये वो पाइपलाइन है जो जयपुर वासियों की प्यास बुझाती है। ऐसे में जब तक इस पाइपलाइन को शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता। ऐसे में रेलवे बोर्ड की ओर से PHED को पाइपलाइन शिफ्ट करने के लिए पत्र लिखा गया है। PHED के अधिकारियों ने रेलवे को पत्र का जवाब देते हुए बीसलपुर बांध से जयपुर आ रही पाइपलाइन को शिफ्ट करने से साफ इनकार कर दिया है। यह है जयपुर का सांगानेर रेलवे स्टेशन। हाल ही में इसको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सेलेक्ट किया गया था और यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होना था, विकास होना था और करोड़ों रुपए खर्च करके इसको एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन में तब्दील करना था। लेकिन इसके विकास के अंदर या यूँ कहा जाए कि इसके डेवलपमेंट के अंदर एक बड़ी बाधा सामने आई है, वो है जयपुर बीसलपुर से जयपुर आ रही एक पाइपलाइन। ये वो पाइपलाइन है जो राजधानी जयपुर के लोगों की प्यास बुझाती है। सालों पहले जब ये लाइन डाली गई थी तो रेलवे की जो बाउंड्री है, ये कह सकते हैं कि जो इस सांगानेर रेलवे स्टेशन की जो बाउंड्री है उसके पास से डाली गई थी। चूँकि अब रेलवे की तरफ से PHED को एक पत्र लिखा गया और उसमें कहा गया कि इस रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट करना है, ऐसे के अंदर इस लाइन को शिफ्ट किया जाए, लेकिन PHED ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये लाइन शिफ्ट नहीं हो सकती। ऐसे के अंदर इस जगह के ऊपर जहां से पाइपलाइन गुजर रही है वहां पे ड्राइंग के अंदर जो नक्शा बनाया गया था वहां पे प्लेटफॉर्म बनाने थे और अलग अलग जो सुविधाएं जो रेलवे स्टेशन के ऊपर दी जानी थी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, उनको डेवलप किया जाना था। लेकिन रेलवे की ओर से पत्र लिखा गया PHED को और PHED की ओर से जवाब दिया गया रेलवे को, कहा गया कि इस लाइन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता और भविष्य के अंदर 2052 की ज़रूरतों को देखते हुए एक और पाइपलाइन यहीं से डाली जाएगी, तो ऐसे में इस लाइन को यहां से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब मजबूरी ये हो गई कि रेलवे को आने वाले वक्त के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर तब्दीली करना पड़ेगी और यही वजह है कि अब तक इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प शुरू नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन विनोद के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।